हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। वहीं चंडीगढ़ पहुंचे जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में 90 की 90 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में हत्याओं के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसी आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सूबे के मुखिया क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती चली जा रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी में शामिल हो रहे इनेलो के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था विधानसभा चुनाव से पहले सब ये बात कहेंगे, एक थी इनेलो और आज ये बात सही साबित होती दिखाई दे रही है। प्रदेश के किसान की आज पूरा देश जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज प्रदेश में है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री क्योंकि गृह मंत्री आज पूरी तौर पर उनका फेलियर सामने आता है कि वो विफल रहे पिछले 4.5 सालों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में, और ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश के एक एक कोने के अंदर है। कोई सा अगर आप डिस्ट्रिक्ट का पुल आउट उठा लो तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां रेप, मर्डर, डकैती, लूट जैसी घटनाओं से अखबार भरा ना। आपको इतिहास बता दूं, जब पंजाब के अंदर पीपीपी अकाली दल से अलग हुई तो भी अकाली दल से ज्यादा वोट नहीं लेके गई, जब आरजेडी से जेडीएस बनी तो नीतीश कुमार जी भी लालू जी से ज्यादा वोट नहीं लेकर। पहला एग्जाम्पल है पूरे देश का जहां जो पार्टी जिस लेगेसी को लेकर चली, नई बनी, उसने अपनी मदर पार्टी से ज्यादा वोट लिए। मैंने तो लोकसभा के नतीजों से पहले एक चीज कह दिया था कि लोकसभा के बाद एक चीज जरूर याद रखना कि लोग कहेंगे एक थी इनेलो, और आज जिस तरह के हालात है, जिस तरह से लोगों को भेजा जा रहा है, विधानसभा तक शायद एक थी इनेलो आपके सामने है।